संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मैसेज आया कि भाई अपना अपनी तरफ से कुछ बात यहां भी कहिए, आप वहीं से कह दीजिए। और हमको कहने का मौका मिला बिहार में पर्यावरण पर जो काम हो रहा है, जल जीवन हरियाली अभियान पर, और हमने सब को दुनिया भर के बड़े बड़े लोग बैठे थे, हमने उनको यही कहा कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं बापू, उन्होंने कहा कि यह धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है लेकिन लालच को पूरा करने में नहीं है। ये बात हमने बता दी कि जरा हमारे राष्ट्रपिता बापू का ये सोच है। तो आप समझिए, हम तो यही सब काम करते रहते हैं भाई। अब आप सब एक परिवार के अंग हैं, सबके लिए हम काम कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीदवार भी काम करने वाले हैं। इसलिए हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को आगे अगर काम करने का मौका देना चाहते हैं तो हम लोगों के उम्मीदवार विनोद बाबू को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आपके बदले का वचन दबा कर तो क्या उम्मीद करें, जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। विनोद जी को जीत का माला पहना के हाथ उठा के बताइए। सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया है। अब इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और 28 तारीख को वोट है, खूब जम करके वोट करिए। और जितनी हमारी बहने हैं सबसे हम यही कहेंगे कि सबसे पहले सुबह में वोट डाल दीजिए, पहले मतदान तब जलपान। तो इसलिए आप सबसे सब लोगों को कहेंगे कि अपना एक एक कीमती वोट इनको दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा, बिहार को हम आगे ले जाएंगे। और जो इतिहास है आप बताइए, गया का कैसा इतिहास, देश का इतिहास हम कितना बताएं, 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए जी, और 10 साल बिहार झारखंड एक था, और हम लोगों ने तो कितना दिया, 6 लाख से भी जाते, उससे भी जाते। अभी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम सबको कितना काम दिया बताइए, पढ़ते नहीं थे, हमने आकलन करवाया था कि कौन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर रह जाते हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित बच्चे और बच्चियां, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां। तो उनके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो हम लोगों ने काम कराया, आप जरा समझ लीजिए किस तरह से लोगों को पढ़ाने का काम, और उसमें जो 30,000 ऐसे लोगों को हम लोगों ने काम में लगाया, उसको 60 साल तक काम करने का मौका, और बराबर उनका तनख्वाह बढ़ाना, सब तरह की सुविधा देना, ये सब काम करते चले जा रहे हैं। विकास मित्र बताइए, जितने गरीब गुरबा जो सब महादलित दलित परिवार के लोग हैं, उन गांवों को सरकार की योजनाओं का जानकारी ही न मिले, सब चीज की उसको वहां क्रियान्वित हो जाए, इसके लिए जो हम लोगों ने रखा विकास में। आप बताइए एक एक काम के लिए कितने लोगों, अभी कह देगा कोई, कहने से कुछ होता है जी, करने का कोई अनुभव हो, करने का कोई समझ हो, हम तो किसी भी काम को करते हैं सब लोगों की बात को सुनते हैं और देखते हैं कितना काम करते रहते हैं। आप जरा बताइए, हम समाज सेवा के लिए काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, अरे 10-15% आदमी, 10% आदमी तक गड़बड़ बाएं दाएं करवे करेगा, हम जानते हैं, आप कुछ भी कर लीजिएगा बाएं दाएं करेगा, लेकिन महिलाओं के जो परेशानी होती थी घर में, हम तो सब जगह घूमे, महिलाओं से पूछना शुरू की, और कहती थी महिला एक जगह बोली कि भाई मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर लौट करके आते थे, हम लोगों से झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी हो गया और शाम में हमारे अनेक झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन अब जब शराबबंदी लागू हो गया
तो शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। अब आप बताइए, ये सब काम जो हम करते रहे कोई काम छोड़े हैं? यही सब काम हम सब की सेवा में करते रहे, समाज के हर तबके को उत्थान के लिए कोई काम हमने नहीं छोड़ा। और